तो चलो टेडी भाई, अब आपका किंगडम डिस्ट्रॉय होने वाला है। रुको, तो ये हूँ मैं, स्टार्टिंग अ वॉर अगेंस्ट टेडी गेमिंग। हाँ, वही टेडी गेमिंग जिसे मैंने खुद सर्वर में इनवाइट किया था और साथ में एक इवेंट भी जीता था। वो जीत के हमें एक वार्डन की मिली थी, लेकिन सवाल ये है कि इस वॉर में कौन जीतेगा। वेट, ये वॉर मेरे को लड़नी क्यों पड़ रही है? जब हमें वार्डन की मिली थी तब हमें ये नहीं पता था कि वो कौन से दरवाजे की चाबी है, लेकिन फिर एक दिन मेरे को टेडी भाई स्पॉन पे बुलाते हैं। अरे मेरे को वार्डन की का पता लग गया, तुम्हें बताऊं? हाँ बताओ बताओ। मेरे को टेडी भाई फिर एक एंशियंट सिटी में लेके जाते हैं। तो केप्स, आपको बस यहाँ पे वार्डन की से राइट क्लिक करना है और एक बहुत मस्ती एपिक चीज होगी। ठीक है भाई, जैसा आप बोलो। टेडी भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरे साथ तूने बहुत बुरा किया था केप्स, लेकिन अब बदला लेने की बारी मेरी है। मतलब मैंने किया? गुड बाय केप्स। अरे टेडी भाई क्या हुआ, रिसलिफ की क्या? वेट, लेकिन मैं ये कहाँ पे आ गया? अभी से 3 महीने पहले मैंने जब एसएमपी ज्वाइन की थी तब मेरे को एक बात बोली गई थी। देखो, ये सर्वर में न्यू मेंबर्स लाना अलाउड नहीं है, और ये सर्वर में हैसिल का प्लगइन तो लगा ही है, लेकिन क्या ये वही प्लगइन है? देखो, जितना मेरे को पता है माइनक्राफ्ट में बस 3 डायमेंशन होती है, ये हरा भरा ओवरवर्ल्ड या एंड। लेकिन वंडर एसएमपी में स्पेशल प्लगइन से एक नई डायमेंशन ऐड हो गई थी। भाई मेरे को जल्दी यहाँ से निकल के टेडी भाई से बात करनी है बस। भाई किसने मारा है? तू केप्स, तू पे, तू तू यहाँ पे कैसे आया? मेरा छोड़, तू कैसे आया इधर? भाई पहले मैंने पूछा है, मैं जिस बेकार जगह जाता हूँ तू यहाँ पे मिल जाता है। ओ भाई बेयरली बचा मैं, लेकिन टेंशी तो बैन हो क्या होगा, इस सर्वर में एक बार मरने में बैन जाते हैं ना। हैं, तू वापस कैसे आया? मैं वापस कैसे आया ये देख। व्हाट, तू पागल पागल हो गया क्या? अबे तू बैन क्यों नहीं हो रहा? अरे इस डिमेंशन में प्लगइन सामने करते हैं, मैं वापस से यहीं स्पॉन हो गया ये देख। अबे तू बार बार ही क्यों मर रहा है बे? मेरे साथ आगे चल, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना है। कोई वार्डन है पीछे? गड्ढे में डालते उसे, अभी गड्ढे में जाएगा ये। वार्डन का पता नहीं, मैं गड्ढे में जाने वाला हूं। स्वॉर्ड फेंक दी मैंने, नहीं स्वॉर्ड कहाँ पे है मेरी? मिल गई ठीक है, गड्ढे में जा। नीचे क्या, नीचे क्या? वार्डन को नीचे पे। चलो टेंशन भाई, आगे चल के रास्ता ढूंढते निकलने का। ओए उधर एक साइन है, इस पे लिखा है आई एम डेड डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। ये टूट गया। ओए पीछे वार्डन है, वो नहीं, जल्दी भाग भाग भाग। वार्डन की ऐसी की तैसी। एक आइडिया, वार्डन को इधर लेके आते हैं। हाँ, इधर आ जा, आ जाओ वार्डन, आ जाओ। चलो अब मैं इसे धक्के देने वाला हूँ, जा आगे जा, आगे जा। भाई दूसरा वार्डन भी खाई में फेंक दिया मैंने, लेट्स गो। ठीक है, तो जितना मेरे को बल्किशार ने बताया है, ये बड़ी सी आंख है इटरनेस। हाँ, मुझे लग रहा है ये आंख अपने हाथों से मार रही है हमें निकाल के। हाँ, हमें इसके हाथों से बच के यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और फिर फाइनली मैं निकलते ही तेजी से बदला लूंगा भाई, बहुत हो गया उसका। ठीक है, जल्दी चलते हैं यार। केव्स, एक बार ना इस आग को मारने का ट्राई करते हैं, मे बी इसको मार के डैमेज से बाहर निकल पाएंगे। हाँ, लेकिन हम उसे डैमेज कैसे पहुंचाएंगे? ये क्या है? ये है डूम ब्रेकर। ये इस डायमेंशन गाइड के हिसाब से एमपी का सबसे पावरफुल वेपन है, जिसे स्पेस दबा के चलाया जाता है, और ये अकेला वेपन है जो इटर्निस को डैमेज पहुंचा पाए। लेकिन एक सीक्रेट बताऊं, डूम ब्रेकर से तुम मेरे सब्सक्राइब बटन को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, या अपनी उंगली से भी, बस क्लिक हो जाना चाहिए। देखो, मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे मेरे को एक सिल्वर प्ले बटन मिलेगा, जिसमे देख के मैं अपना फेस रिवील करूंगा। तो सब्सक्राइब करो और ये वीडियो को एंड तक देखना, अगर तुम एंड तक देखोगे तो शायद तुम यहाँ पे खुद आ पाओ। देर पे चला दूं क्या मैं? ठीक है चलो, इटर्निस को से। चलो क्या रेडी है तू? मैं तो पैदा रेडी हुआ था। चलो पावरिंग अप एंड फाइनली शूट। आई थिंक एक और शॉट मारना पड़ेगा। कोई उसको हाथ आ गया। अबे क्या कर रहा है किस भाई, निशाना लगा ढंग से। यार मैंने निशाना ठीक लगाया था, उसके हाथ हमको लेके जा रहे हैं अंदर। हम जा कहाँ रहे हैं? आई थिंक हम उसकी आग के अंदर जा रहे हैं, इनसाइड द आई। भाई ये कहाँ गया? भाई हम एक्चुअल में उसकी आग के अंदर आ गए। रिट्रीव द ब्रोकन ड्रूम बेकर पीसे, ऊपर ऑब्जेक्टिव लिखा है मिसिंग 3 पार्ट्स, मतलब हमें इनके पार्ट्स लेके आने, लेकिन वो है कहाँ पे? अरे यहाँ पे पोर्टल खुला है। पार्ट्स इसके अंदर है क्या? वो देख उधर, वो रेड डॉट है, पार्ट पक्का उधर ही होगा। और इधर घास कितने अजीब से लग रहे हैं। जो बट हमें लाना था वो सबसे ऊपर रखा हुआ था, हमें ऊपर ये स्टीम फाउंटेन्स की मदद से जाना था। चलो ये रहा पार्ट। अच्छा ये वो डूम ब्रेकर की सीट है, एंड हम अब इधर आ गए। नाइस, ये पार्ट हम इधर छोड़ देंगे, इसके 2 पार्ट और लेके आने हैं। अरे के पोर्टल वापस आ गया, मुझे लगता है हमें दूसरा पार्ट भी पोर्टल के थ्रू जाके लेना ही होगा। चलो भाई चलते हैं फिर। ओ ये सही जगह है। हमारे पार्ट लेने का रास्ता एक लेजर बैरियर से ब्लॉक था, जिसे डिसेबल करने के लिए हमें 2 जनरेटर्स को डिसेबल करना होगा। चलो रेस लगाते हैं, पहले पहुंच गया ना पार्ट के पास। ठीक है भाई चल।
अरे ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? नहीं देख, नहीं भाई, एवरीथिंग इज फियर भाई, ये ना तो लव है ना तो वॉर है। लेकिन टेंशन, ये एक रेस थी जो तू हार गया, ये रहा दूसरा पार्ट, बस ये उठा के ये पोर्टल में जाना होगा आई थिंक। ये वाला पार्ट भी डूम ब्रेकर पे लग गया। लाओ केव्स, आखिरी पार्ट भी लेके आते हैं। चलो ये कहाँ पे आ गए अब हम? ये अंकल जी के पास है क्या पार्ट? अरे अंकल जी पार्ट दो, अंकल जी पार्ट में कितना लोग? अरे ये बुड्ढा तो ना, ये तो एंग्री हो रहा है भाई ना। ठीक है। मर गया। अरे ये बुड्ढे में तो जान ही नहीं थी, लो मर गया बस। ये था पार्ट, मिल गया मुझे पार्ट। उठा उठा चल चलते हैं वापस बस। ये पार्ट में जाके लगा देता हूँ और फिर लगाओ भाई तीसरा पार्ट लगाओ। डिस्ट्रॉय द कोर एम फॉर द सेंटर, ये इटर्निस की कोर हो गया आई थिंक। चलो भाई खत्म। ये भाई क्या हो रहा है? ओ भाई, तो नहीं है? ये फटने वाला है क्या? मेरे को ना सही वाइब नहीं आ रही है। हमें मरना नहीं है भाई ना। अबे हमारी इन्वेंटरी खाली हो गई। हाँ हम ये कहाँ पे आ गए? माइनिंग फटिक भी लग गई भाई मुझे भी। यार हमें तो वापस ओवरवर्ल्ड में चले आना चाहिए था ना। अबे हम ओवरवर्ल्ड में ही है, एफसी दबा के दे। हैं? हाँ 258 ओवरवर्ल्ड। हाँ ये तो स्पॉन के कोऑर्डिनेट्स है। ये क्या स्पॉन है केप्स? रे टेडी भाई आप कहाँ पे हो? मैं कहाँ पे हूँ वो छोड़, केप्स तू अपना देख तू कहाँ पे है। मतलब मैं कहाँ पे हूँ? हैं यहाँ पे ये लगे हुए हैं। तुम कहाँ है भाई? तुम्हारे प्रिजन में है केप्स। मैं प्रिजन में लेकिन क्यों? अरे टेडी भाई आप क्यों कर रहे हो? पहले भी आपने मेरे को वो डायमेंशन पोर्टल में डाल दिया था। यार हम तो टीममेट्स थे ना, तो आप मेरे को बार बार ही ट्रैप करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? केप्स मैं क्या टेडी भाई बोलो? केप्स तू मेरा वर्स्ट टीममेट है यार। यार क्यों टेडी भाई, मैंने क्या किया? केप्स तुझे पता भी नहीं है क्या? मेरे को नहीं पता मैंने क्या किया है। केप्स तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। यार टेडी भाई मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को बताओ तो क्या किया है मैंने? सॉरी केप्स अब बहुत लेट हो गया। अरे टेडी चल चलते हैं यहां से, चल चलो भाई। बाय बाय केप्स, हम जा रहे हैं प्रिजन, एंजॉय करो ब्रो। मैं अपने दोस्तों के साथ एक प्रिजन में ट्रैप हो गया था, लेकिन चलो भाई बस थोड़ा सा वेट करना है फिर हम फ्री। बस थोड़ा सा केप्स होने वाला है यार, बस तू चिंता क्यों कर रहा है? What? भाई अरे भाई ये क्या जादू टोना है भाई, हम कभी वापस यहाँ से निकल लेने वाले सिर्फ तेरी वजह से। अबे ओ पीछे होले, सिर्फ मेरी गलती नहीं है इसमें। अच्छा फिर टेडी क्यों बोल रहा था? तूने कुछ किया है उसके साथ? बताइए जरा। मेरे को नहीं बताया यार, एक तो मैं छोड़ूंगा नहीं टेडी भाई को। हमें निकलना होगा पहले यहाँ से। अरे निकल देंगे यार, तू क्यों चिंता कर रहा है? अबे कैसे निकलेंगे यार, ये इनएस्केपेबल है। अरे निकल देंगे यार, तू टेंशन क्यों ले रहा है? अबे नहीं निकल पाए। ले निकल गए। मैं कैसे कर रहा है तू ये? ये ऐसे। अबे मेरे को भी बताना, मेरे को भी आना है। अरे टेंशन यार ये करना नॉर्मल जिंदगी है, लेकिन तुझे तो पता ही होगा मेरी तो मेंटोस जिंदगी है। जो अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं अबे लेकिन केव्स निकलेंगे कैसे? सिंपल है यार, बता ना। बता दू क्या? बता ना भाई। पक्का? हाँ। बहुत ज्यादा दिमाग से। अबे बता दे ना। क्या बोला तूने? मैंने क्या? मैंने कुछ नहीं बोला भाई, तू क्या कर रहा है केव्स? अरे अभी टाइम क्या हुआ है? अभी 5 बजे है ना, तो संडे 9:30 बजे आई हो। मैं बताता हूँ कैसे निकलेंगे, अभी के लिए भाई संडे तो आज है। चला गया भाई। हम ऐसे ही प्रिजन में ट्रैप्ड हो गए थे और हमारी सिक्योरिटी के लिए इन्होंने 4 गार्ड्स भी रखे हुए थे, लेकिन हर रात 3 से 4 बजे के बीच में कोई भी गार्ड ऑनलाइन नहीं होता था। इसका मतलब ये प्रिजन से निकलने के लिए हमारे पास बस 1 घंटा था। ओके तो अभी 4:10 हो रहे हैं एंड मेरे को ये प्रिजन से निकलने के लिए अलार्म लगा के उठना पड़ा है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि हमारे पास एक आइडिया है, एक बहुत अच्छा आइडिया है, विदर्स गर्ल्स। क्योंकि विदर्स को माइनिंग फटीक नहीं लगती, वो पूरी प्रिजन डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। लेकिन वो लाएगा कौन? केप्स मैं आ गया स्कल लेके, तू कहाँ है? मैं प्रिजन के अंदर ही हूँ, बस आजा आराम से। ये क्या हुआ? केप्स क्या हो गया? मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ भाई, मैं कुछ चलकर बैन हो गया। तू पागल है क्या? बैन करा दिया मेरे को फालतू में, अभी ठीक होगा नहीं? ओके ओके केप्स मैं ये जेल से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। ओ, मिला कुछ रास्ता? कुछ तो मिला है। ओहो इस बार क्या मास्टरमाइंड प्लान है भाई? प्लान तो बहुत बढ़िया है, लेकिन तू तो कर पाएगा क्या भाई? मैं सब चीजें कर सकता हूँ। ठीक है जिनसी, हमारा आज का काम हो गया है, बस हमें कल उनके सामने प्रिजन एस्केप करना है। चलो ठीक है यार केप, गुड नाइट। हाँ भाई केप्स कैसा लग रहा है ट्रैप होके? भाई एक हफ्ते से तू इसी प्रिजन में ट्रैप है। केप्स अब मास्टरमाइंड नहीं रहा भाई। अरे लगता है यहाँ ना बंद रह के दिमाग में जंग लग गया होगा। रे टेडी भाई आप चाहते हो क्या ये प्रिजन से निकलूं मैं? केप्स ये प्रिजन इनस्केपेबल है, मेरे लिए कुछ इनस्केपेबल नहीं होता टेडी भाई। अच्छा तो निकल जाओ ना भाई। ठीक है क्या हुआ इससे? तो कुछ भी नहीं हुआ भाई।
हमारा प्रिजन ऊपर कैसे जा रहा है भाई? ये कैसे कर रहे हो? चलो टेडी भाई मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना आपसे बदला लेने जरूर आऊंगा। अपने आसपास देख के चलना, कुछ होना जाए। अबे गार्ड्स मुंह क्या देख रहे हो, जाके पकड़ो उसे। हमने प्रिजन को एस्केप तो कर लिया था, लेकिन आगे और बड़ी दिक्कतें थी भाई। उधर तो देख के आगे पहाड़ है भाई, हम कैसे बचेंगे? अरे नई फ्लाइंग मशीन तो छुप जाएगी, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। मैं सोचता हूँ क्या करे क्या करे क्या करे। अरे वेट वेट, कोई दिक्कत नहीं है, चल कर। नहीं वो आ रहे हैं, जल्दी कर। ये एसएमपी पे सेट वाला ऑप्शन है ना, मेरे पे राइट क्लिक कर जल्दी। केस उससे क्या होगा, तू क्या कर रहा है? मेरे पे राइट क्लिक करके बैठ, बस मेरे पास एक प्लान है। ठीक है केस, मुझे ट्रस्ट कर रहा हूँ। अबे ये दोनों तो कूद रहे हैं। हाँ पर उनकी इन्वेंटरी तो खाली है ना। हाँ मर गए फिर तो टेडी और बल्कि को बता देते फिर। पर यार इनका डेथ मैसेज तो लिख के आया नहीं। ये मरे नहीं, देख लेते हैं एक बार, यहीं कहीं होंगे। तुम सारे फैल जाओ, हम सारे अलग अलग होके ढूंढेंगे, तो क्या पता जल्दी मिल जाए। अरे एक बंदा आ रहा है। नहीं कुछ कर केव्स, कुछ कर केव्स। नो वे केव्स, लेट्स गो, लेट्स गो, भाग भाग भाग। तो ओए वहां पे ही बंदे है। केव्स कुछ कर, मार मार मार। अरे रुक जाओ, मेरे पास एक आईडिया है भाई। केव्स तुम्हारे मास्टरमाइंड है। चल 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 जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी चल। इनके और भी गार्ड्स थे। केव्स ऊपर है, वो ऊपर है। हां रुक जा रुक जा। चल भाई ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है। क्या कर रहा है भाई? केव्स क्या कर रहा है? रुक जा बस, देखियो बहुत सही चीज है। मजे की मजे बोलो। बढ़िया बढ़िया, मेरी हेल्थ बहुत लो है। सामान उठा ले इनका, बस ले ले भाई सामान ले। हमारे पास आर्मर भी आ गया है। हमने सारे गार्ड्स को तो मार दिया था, लेकिन जिस बंदे की वजह से मैं प्रिजन में गया था उसे तो मैं नहीं छोड़ने वाला था। लेकिन उससे पहले टेंशन खाना मिला क्या तेरे को? हाँ। मेरे को दे जल्दी, भूख लगी है मेरे को। वो मेरे को हेड भी मिला हुआ टाकू का। केव्स सड़का क्या करेगा उसके? एक आइडिया तो है मेरे पास। क्या सोच रहा है भाई तू? हेलो भाई, तुम लोगों ने मेरे को रिवाइव क्यों किया? क्योंकि हमारे पास कुछ सवाल है आपके लिए। मैं कुछ नहीं बता रहा तुम्हें। नाउ मैं फिर से पूछता हूँ, मेरे पास कुछ सवाल है, आंसर मिलेगा क्या? हाँ हाँ बता रहा हूँ। यो इनावाद, चलो स्टार्ट करते हैं। सो ये सर्वर में जब मैं खेलता था तब बस 16 प्लेयर खेलते थे, तो अब ये इतने सारे दुनिया भर के प्लेयर्स आगे से रहे। जब से तुम जेल में गए थे तब से बहुत चीजें चेंज हो चुकी है। जब से आपने टेडी भाई को बिट्रे करा है तब एक से। मिनट भाई, मैंने बिट्रे नहीं किया कुछ। अरे वो मुझे नहीं पता, पर आगे सुनो। तो बल्कि एंड टेडी भाई ने अपना एक किंगडम बना लिया। एसएमपी में सारे प्लेयर्स उनकी बात मानते हैं, और जो नहीं मानता उन्हें बैन कर देते हैं। इस वजह से एसएमपी के बहुत सारे पुराने प्लेयर्स ने एसएमपी छोड़ ही दिया। और हाँ, पूरी एसएमपी उनके सेनापति से बहुत डरती है। उसका नाम फिन है और उसकी पीवीपी बहुत अच्छी है। भाई केएफ सी फिन थोड़ा डेंजर लग रहा है भाई मुझे। हाँ उसकी पीवीपी बहुत अच्छी है, उसने मेरे को पीवीपी में हरा के सर्वर से बैन भी कर दिया था। मैं रिवाइव सिर्फ एक शर्त पे हुआ हूँ कि मैं उसके लिए उसके अंडर गार्ड की नौकरी करूंगा। भाई यार तुम्हारे बल्कि टेडी फिन तो बहुत गलत कर रहे हैं। ये सारी चीजें वो अपने किंगडम से कंट्रोल करते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि उन लोगों ने तुम्हें क्यों नहीं बैन करा। पता नहीं क्यों नहीं किया भाई। केएफ हमें ना टेडी बल्कि और फिन को सर्वर से निकालना पड़ेगा। नहीं कर पाओगे। एक सेकंड भाई, क्या बोल रहे थे आप? कुछ नहीं। चलो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा क्यों बोला आपने? उनके पास बहुत ज्यादा पावर है, और उनकी आर्मी ही काफी रहेगी तुम दोनों को हराने के लिए। उनके बेस पे जब भी कोई अटैक होता है वो अपने सिक्योर्ड बंकर में चले जाते हैं, जहाँ पे तुम उनका कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तो मतलब अगर हम उनका बंकर डिस्ट्रॉय कर दे तो ये सर्वर को हम उनसे बचा सकते हैं। लेकिन समझो मेरी बात, तुम ये चीज नहीं कर पाओगे। ना ना मेरे को वो सब नहीं सुनना, मेरे को बस लोकेशन बता आपके। तो फिर मेरे पीछे आओ। तो केप्स ये रहा टेडी भाई के बेस का मैप। थैंक यू यार हमारी इतनी हेल्प के लिए। यार आप ये ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे आप ये लास्ट टाइम बोल। मेरे को क्यों मार रहे हो? क्यों भाई, आप फिन की तरह निकले, मेरे को आपने फालतू में मार दिया। नहीं भाई मैं उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं। मैं तेरे को वादा करता हूँ कि मैं टेडी फिन एंड बल्कि को मार के ही तेरे को रिवाइव करूंगा। चल टेंशी उनके किंगडम चलते हैं। फाइनली बहुत ज्यादा ट्रैवल करने के बाद वही मेरे को आगे दिख रहा है कुछ। अबे हाँ भाई कैसे से बना हुआ है सामने। अरे चलो भाई ये हुई ना बात, चलो पहुंच गए बस फिर तो। अबे चलो क्या भाई पीछे चल भाई, सब होंगे वहाँ पे उनके। क्यों क्या हो गया? अबे चल यार मार के आएंगे उन्हें। अबे भाई भाई तू हमेशा ये करता है भाई, कि चल ना भाई। अरे रुक जा यार, तू मेरे को क्यों मार रहा है? उन्हें मारना है हमें। चल भाई तू हमेशा ये करता भाई। रुक जा, क्यों क्यों क्यों? हम है दो लोग, वहाँ पे पूरी टीम है उनकी, हम उन्हें कैसे मार पाएंगे? देख हम दो है लेकिन हम दो आठ के बराबर। भाई तू होगा भाई आठ के बराबर मोटे, मैं नहीं हूँ। हेलो टेडी भाई, बल्कि भाई बाहर निकलो। रुको केप्स, तू यहाँ कैसे? तुम दोनों डैडी और बल्कि भाई को बंकर में लेके जाओ। केप्स तो यहाँ पर मरने के लिए आया क्या? बे फिन मेरी बात सुन, ना तूने मेरा कुछ बिगाड़ा ना मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा। तो पीछे हो एंड मेरे को बल्कि एंड टेडी से बात करने दे। केप्स चले जाए यहाँ से वरना बातें बिगड़ जाएंगी। अबे धमकियों से नहीं डरता मैं, चुप रह तू। केप्स तू नहीं मान। गार्ड्स
अबे क्या सीरियस क्यों हो रहा है यार तू? अभी बताता हूँ तुझे, रुक जा। गार्ड्स फायर। टेंची किड्स भाई, टीएनटी था उधर, मैं बेयरली बचा। तू गधा है भाई, मैं कितने बार मना करूं, नहीं बच सकते हमसे, पूरी टीम है उनकी वहाँ पे। ए, बच तो गए ये तेरी पर्ल वाली बात मान के। अभी जल्दी चल, वो हमें ढूंढने आ रहे होंगे। भाई तू भाग यहाँ से, निकल यहाँ से भाई, हर गलत जगह जा भाई। मैंने कितने बार बोला है जहाँ गलत जाऊँ तू हमेशा वहीं हो। चलो भाई, हम एक बार तो फेल हो गए, लेकिन हम वहाँ पे प्लान बना के जाएंगे, तुम ना दिक्कत की बात नहीं कोई आ जा भाई। तू कोई प्लान नहीं बना रहा है, तेरे प्लान तू सब बेकार होते हैं भाई, तू मास्टरमाइंड नहीं है। अरे रुक जा यार, आ जा, ये प्लान पक्का अच्छा होगा, मैं श्योरिटी से कह रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, उनका बेस बहुत ज्यादा पावरफुल है, रिप्ले से मैं उनके बेस की डिटेल्स तो निकाल लूंगा, लेकिन मेन बात ये है कि अगर उनका बेस डिस्ट्रॉय हो गया तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ यार केप्स, लेकिन ये तो सोच, हमें भी टीम बनाना पड़ेगी ना उनकी तरह। हाँ सही बात है, हमें टीम तो चाहिए होगी यार। मैं ना चाय पी के आया, फिर बनाइयो टीम वीम। चल ठीक है, अब ध्यान दे, चाय बहुत पी ली हमने, हमें न्यू प्लेयर चाहिए। हाँ, लेकिन हम लाए कहाँ से वो? अबे सर्वर कोई भी ज्वाइन कर सकता है, स्पॉन पे चलना। हाँ एक्चुअली स्पॉन ही चलते हैं, वहाँ से कोई भी ज्वाइन करेगा उसे पकड़ लेंगे। ठीक है अब क्या? अब बस हमें वेट करना है। अरे कोई आया? अरे केप्स भाई, आप तो भगवान निकले, हमारी जिंदगी बचा ली। हमने तुम्हारी लाइफ बचाई है तो हमारी। अरे बताओ केप्स भाई, अपने तो कुछ भी कर देंगे। हाँ, हमें बस बल्की एंड टेडी का पूरा किंगडम को डिस्ट्रॉय करना है। अच्छा केप्स भाई, ऐसा है ना, मेरे को ना मम्मी बुला रही है, मैं दूध लेकर आया। सही है क्या? अरे केप्स भाई, उसका भाई वो अकेले नहीं जाएगा। ये क्या मजाक कर रहे केप्स भाई? फिर मैं क्या करूंगा, मैं भी यहाँ तो थोड़ी। अरे रुको रुको रुको, नहीं उनको बुला, मेरी बात सुनो, तुम क्या डर रहे हो क्या उनसे? अरे नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं, अगर सच बताऊँ तो बहुत ज्यादा। अरे यार तुम लोग भी ना। अरे हमको बैंड थोड़ी ना होना है फिर क्या? अरे हाँ केप्स भाई, वो बहुत बढ़िया पीवीपी करता है। देखो देखो, मेरे पास बहुत बढ़िया प्लान है, उससे अगर कोई बैन होगा तो वो फिन ही बैन होगा। तो क्या तुम लोग मेरे पे भरोसा करके मेरे साथ आना चाहोगे? तुम सारे मिलके सोच के बता दो। देखो गाइस, मेरे ख्याल से हम लोगों को केप्स की हेल्प कर देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारी जान बचाई है, तो हम लोग एटलीस्ट उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। सही कह रहा है यार तू, हमें केप्स भाई को हाँ कर देना चाहिए। केप्स भाई हम रेडी हैं आपकी हेल्प करने के लिए। ये हुई ना बात भाई। लेकिन केप्स भाई, मैं किसी को मारने नहीं वाला, हम उधर नाचने नहीं जा रहे हैं भाई। क्यों भाई, मारने में दिक्कत है? अरे केस भाई देखो, मैं एकदम नॉन वायलेंस में ही विश्वास करता हूँ, क्योंकि किसी को मारना मेरे लिए एकदम अपराध है। एक काम कर, इनको तलवार दे दे ईशान के अलावा, बाकियों की तो प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी। ये लो तुम्हारी तलवार है, तो प्रैक्टिस के लिए तैयार है ना सारे? यस भाई। मारो भाई मारो, नॉन वायलेंस करेंगे ये। ओके तो स्टार्ट करते हैं, बैक टू आवर प्लान। हमें टेडी और बल्की भाई का किंगडम डिस्ट्रॉय करके उन्हें सर्वर से बैन करना है, लेकिन ये काम आसान नहीं होगा। उनके कैस्टल के चारों ओर टीएनटी कैनन्स है, तो हमें सबसे पहले इन्हें तोड़ना होगा। वहाँ पे चार गार्ड्स और भी थे, हमें उन्हें भी मारना होगा। केस भाई, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम टीएनटी कैनन्स है, अब उनका क्या करेंगे? देखो देखो, टीएनटी कैनन्स का काम तुम मेरे पे छोड़ दो, हमें बस गार्ड्स को मारना है। तो सही है, फिर हम गार्ड्स को मार देंगे। केप्स, बट हम फिन का क्या करेंगे? वो तो भाई बहुत अच्छा है पीपी। अरे होने तो अच्छा, केप्स से बेटर सुना होगा, असली प्रॉब्लम तो हमारे लिए उनका बंकर है। वो बंकर के लिए तो मेरे पास एक स्पेशल प्लान है, वो मैं देख लूंगा। एंड अब हमारी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, तो क्या तुम तैयार हो? यस भाई। ठीक है, तुम लोग थोड़ा आराम करो, मैं थोड़ी प्रिपरेशन कर लेता हूँ, फिर हमें पूरी एसएमपी को बचाना भी है। तो दोस्तों, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तुम ये पूरा किंगडम 2 मिनट के अंदर अंदर डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन ये 2 मिनट तुम्हारी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट 2 मिनट होंगे। इंडिया नहीं है। अच्छा ऐसा ही, तो चलो बल्कि किंगडम डिस्ट्रॉय करके 100 SMP को फ्री करते हैं एंड मेरा बदला भी लेते हैं। तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? सबको खत्म करने आए हैं भाई। तुम लोग कभी नहीं समझोगे कि तुम लोग हमें नहीं मारते। रुको भाई, अभी मार के दिखाते हैं। चलो अभी दिखा देते हैं कौन मार सकता है और कौन नहीं। अभी मारते हैं भाई, पोस्टर्स लग गए। डराओ भावेश भाई। गार्ड्स टीएनटी कैनन स्टार्ट करो। अरे फिन भाई, टीएनटी नहीं है इसमें। अरे टीएनटी क्यों नहीं है? मैंने बोला तो उनसे फार्म से गन पाउडर लाने। अरे फिन हम फार्म लेते, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, तो एक भी गन पाउडर नहीं। अबे बेवकूफ को पहले क्यों नहीं बताया? अरे भाई ये तो एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल खा रहा है। अरे फिन पहले उनको रोको, मैं जब तक बल्कि एंड टेडी को बंकर में छोड़ के आता हूँ। हाँ जल्दी जाओ। चलो एक मर गया, एक मर गया। ठीक है गेम सब बहुत हो गया। ये भाई हमारे दोनों बंदे मर चुके भाई, क्या करो यार? ऐसा है क्या? हेलो भाई, अबे रॉबी एंग्री आ रहे हैं। क्या चल रहा है भाई? ये एसएमबी के पुराने प्लेयर्स है। चलो रॉबी एंग्री, इनका कैसल को डिस्ट्रॉय करो। हाँ हाँ आप लोग फोकस करो, मरना मत, हम लोग बाकी का काम कर देंगे। चल एंग्री। नाइस भाई, बढ़िया कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो। अभी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं पूरा कैसल भाई। तो भाई ये बंकर ही उड़ा देंगे भाई। भाई भाई केस भाई, तेरा प्लान तो एक्चुअली काम कर गया भाई। तो भाई अरे फिन भाई, कहाँ भाग रहे हो, इधर आओ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं मरने वाला हूँ। मार के उठा दूंगा मैंने।
चलो गार्ड सारे मर गए आई थिंक। चलो फिन भाई ये लास्ट गार्ड था आपका। अब आप भी लड़ने आओगे या भागने का प्लान? नहीं यार ठीक है गेप्स, लेकिन मैं तेरे से एक वन वे करना चाहता हूँ फिर। ठीक है जिंसी तू बीच में मत आइयो। ठीक है गेप्स। ठीक है फिर केप्स भाई, मैं और एंग्री तो चलते हैं, एसएमबी भी फ्री हो चुकी है तो बाकी का काम आप देख लेना। चलो फिन अब तू ये सर्वर पे किसी को नहीं मारेगा क्योंकि तू बैन ही हो जाएगा। देखते हैं भाई। ओ हेलमेट टूट गया फिन। अरे बूट्स भी टूट गए फिन भाई, अब क्या करोगे यार। फाइनली हेड कापी है फिन का। इससे तो मैं बचा के रखूंगा। चल टेंशन, हमने उनका पूरा बेस उड़ा दिया है लेकिन अब हमें बंकर तक पहुंचना है। ये लो टीएनटी एंड उनका पूरा को पूरा बेस उड़ा दो भाई। भाई मेरा प्लान काम करेगा कि मेरा प्लान आखिर में काम करेगा? अरे मेरे प्लान पे यार शक तुमको होना ही नहीं चाहिए। चलो भाई लगाओ लगाओ लगाओ, जॉम्बी भी साथ में मर जाएंगे भाई, बहुत दिमाग खराब कर रहे हैं। चलो भाई फाइनली लाइट करने वाले हैं हम। 1 2 3 रुको। टेडी भाई। हाँ भाई, आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन आप दिख नहीं रहे हो, कहाँ पे हो? मैं तुम्हारे नीचे ही हूँ लेकिन तुम ये जगह डिस्ट्रॉय मत करो। अरे टेडी भाई अब तो लेट हो गया, उसके लिए इतने टीएनटी लगा दिए इधर, अब उनको वेस्ट कोई जाने दे सकते हैं? चलाने तो पड़ेंगे ही। नहीं रुको। ठीक है टेडी भाई, चलो आप पहले मेरे अच्छे टीममेट थे तो मैं आपको एक मौका देता हूँ। ये हुई ना बात। मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ लेकिन अगर आपने उसका गलत जवाब दिया तो आपका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, तो सोच समझ के अपना मुँह खोलना। ठीक है पूछो। तो टेडी भाई हम इतने अच्छे टीममेट थे, हमने साथ में एक इवेंट भी जीता था, लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया? आपने मेरे को वो एंशिएंट सिटी वाले पोर्टल में ट्रैप क्यों किया? आपको पता था ना वो एक ट्रैप है? ऑफ कोर्स मुझे पता था, जो तूने मेरे साथ किया था ना उसके लिए तुझे एक बार मारना इनफ नहीं था, कि मुझे तुझे मारने से भी बुरी सजा देनी थी। अरे टेडी भाई गलत जवाब। चलो कोई ना, अब तो वैसे ही बहुत लेट हो चुका है। चलो टेंशन दूर हो जा थोड़ा सा बस। ऑब्सिडियन का बंकर मिल चुका है दोस्तों। चलो टेंशन भाई माइंड करो, जल्दी 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 वो भाग ना जाए। ये क्या जगह है? यहाँ पे तीन स्टेशन बने हुए हैं। तीन स्टेशन और ये चेस्ट में क्या है? बुक है जिसपे साइंड बाय टेडी गेमिंग है। ये क्या है? लेकिन गिफ्ट तो याद है हमने 4 गार्ड को मारा था और उनमें से ओटाको भी था, लेकिन हम भी उसी से लड़ रहे थे, हमने उसको रिवाइव भी नहीं किया था। हाँ लेकिन ये बुक में क्या है? ये कौन सी भाषा है भाई? गेप्स इस गेमर मुझे बताए।